नियमित कप्तान की अनुपस्थिति में हरमनप्रीत सिंह को टोक्यो में चार नेशन टेस्ट इवेंट के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है मनप्रीत सिंह जिन्हें आराम दिया गया है हॉकी इंडिया ने हरमनप्रीत को कप्तान बनाया है यह भी एक संकेत है कि हरमनप्रीत को भविष्य के कप्तान के रूप में तैयार किया जा रहा है कप्तानी हरमनप्रीत के लिए आश्चर्य की बात हो सकती है लेकिन एक कप्तान को संवारने की योजना में यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है फुल बैक और पेनल्टी कॉर्नर फ्लिक अब भारतीय साइड में एक प्रभावशाली खिलाड़ी रहा है अभी कुछ ही समय हुआ था कि 2016 के जूनियर विश्व कप की जीत में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले खिलाड़ी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी जिसके लिए ज्यादातर खिलाड़ी सोचते हैं मनप्रीत सिंह को दो टोक्यो ओलंपिक तक भारतीय टीम की कप्तानी करने की उम्मीद है अगर भारत क्वालिफाई करता है इससे परे सोचना बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है लेकिन उत्तराधिकार मार्ग को स्पष्ट रूप से हॉकी इंडिया द्वारा परिभाषित किया गया है हरमनप्रीत भारत मलेशिया न्यूजीलैंड और मेजबान जापान के खिलाफ टेस्ट इवेंट में कप्तानी का आम बैंड पहनेंगे जब मुझे बताया गया कि मैं टीम का नेतृत्व करूंगा तो यह सुखद आश्चर्य था यह एक सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी है मैं उत्साहित हूं और चुनौती का इंतजार कर रहा हूं। दो हज़ार सोलह चैंपियंस ट्रॉफी में राइजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जहां भारत ने रजत पदक हासिल किया वहीं हरमनप्रीत ने भी दो हज़ार सोलह के रियो ओलंपिक टीम में जगह बनाई चार नेशन टूर्नामेंट पर बोलते हुए हरमनप्रीत का मानना है कि टीम शीर्ष स्थान पा सकती है आराम करने वाले सीनियर खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने खेल को आगे बढ़ाएं हम अच्छी तरह से तैयार हैं हम हर मैच जीतने के इरादे से खेलेंगे